हेलो गाइस, मेरा नाम है आकर्ष और आज हम लोग खेलने वाले नाइट लॉक सीड्स पार्ट 2। और जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग पिछले बार नाइट लॉक सीड पार्ट 1 खेले थे तो उसके अंदर रात हो गई थी तो मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी थी। तो अब हम लोग फिर से इसको खेलेंगे और देखते हैं कि क्या हुआ है। तो ये रही हमारी नाइट लॉक सीड और सब तो देख लेते हैं हम लोग का सही है ना। देख लो, अभी चिट्स ऑन नहीं किए मैंने और सबसे स्पेशल में कुछ नहीं, तो जल्दी से हम लोग फिर से स्टार्ट कर लेते हैं वो। और तब तक गाइज, अब मुझे हॉरर म्यूजिक मैं ऑन करके रखूंगा अभी। हाँ तो एल एल जैसे ही लोड होने दो बस मैच। सो गाइस, मैं बोल रहा था कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो, बिकॉज़ ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। तो जल्दी से जाओ और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बिल्कुल ये ना सोचे हुए कि भाई यार क्या सब्सक्राइब करेंगे। तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो चैनल। और देख सकते हो अभी रात हुई है तो अभी हम लोग नॉर्मल रहते हैं यहाँ पे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हो जाते हैं हम लोग, और इस रात को सरवाइव करने के बाद अगले रात तक वेट करना होगा अभी तो। ओके सो गाइस, 1 मिनट 42 सेकंड्स का वीडियो हो चुका। अरे मुझे कुछ दिख गया, अरे मैं ऊपर गया था ना। गाइस तो अभी हम लोग को एकदम आराम से रहना होगा कि कुछ हो ना। तो गाइस वहां पे क्रीपर ने मुझे देखा, बार उसने कुछ सोचा नहीं, मतलब कुछ किया नहीं। गाइस तो क्या होता है अभी, रुक जा मैं गेट बंद कर लेता हूँ, डोर बंद कर लेता हूँ ये। और गाइस इस रात को मैं ऐसे बाहर निकल के सर्वाइव करूंगा, ये वहाँ पे हम लोग का मतलब असली वाला मंजिल है और तब तक हम लोग यहीं पे रहते हैं सर्वाइव करने के लिए। एंड यस गाइस, आज मतलब मैंने दो पार्ट बना दिए, तो जैसे ही डे 2 हो जाएगा एक काम करूँगा ना, मैं 50 डेज होने के बाद नया बनाऊंगा सिद्ध, और उसमें भी 50 डेज होने के बाद। स्क्रिप्ट ने मुझे देखा और कुछ नहीं किया नहीं, और उसके बाद मैं इसी वर्ल्ड का फिर से करूंगा, और उसके बाद मैं उस वर्ल्ड का 100 तक करूंगा। यही हम लोग का इस बार का नया वाला चीज होने वाला है, क्योंकि एक सीड में सर्वाइव करना मतलब बहुत हार्ड होता है, क्योंकि मतलब तो अजीब सा लगता नहीं है कि बहुत बोर हो गए हैं उस टाइप से लगता है। और गज तो मैं ये खा लेता हूँ, क्या है इसका नाम, ओ मेरा कुक्ड हो गया ये रॉटन जॉम्बी से बहुत बेकार होते हैं, इसका गंदा सा फ्रेश खाना पड़ रहा है। सो गाइस अभी हम लोग को यहाँ पे रात बितानी होगी, और रात अभी तक वह यार रात जैसी खत्म होगी अब इस या, अरे भाई क्रिकेट तुम्हें बस बचा था यार ना। फटेगा 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 भागो गाइस, जितने स्टूडेंट भागना। ओके वो फूट गया और वो जॉम्बी भी लग रहा मर गया। रुको मेरे से काम आ गया, मैं अभी रुक गई थी। सो गाइस हो गया हम लोग का काम, अब जल्दी से मैं बाहर निकलता हूँ। ओ ब्रो मैंने क्रिएटिव में कर लिया था यार, आप लोग सोच रहे हो क्यों भाई। सो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, हुआ ये था कि मैंने जो ऐसे देखो मैं बताता हूँ पूरी चीज़ें कि क्या हुआ था, मैंने क्यों क्रिएटिव में किया था। अब ये देखो क्या हुआ था असल में, ऐसे मैं बाहर निकला और वो सोचा अरे भाई इतनी रात अब क्या करूँ, सीधे अब सनसेट पे सेट करता हूँ, इसीलिए मैंने इस पर ऐसे क्लिक किया और क्रिएटिव में सेट कर दिया। और गाइस कर ही कह सकते हैं, चलो अब कोई बात नहीं गाइस, अच्छा ही किया वैसे भी। अब चीट्स ऑफ कर लेता हूँ मैं ना पहले तो, क्योंकि गाइस चीट सुन रहेगा तो बेकार लगता है ना, मतलब तो थोड़ा अजीब सा। टीसी चीट ऑफ कर देता हूँ, एक्टिवेट चीट्स ऑफ। तो अब देखो गाइस सुबह हो चुकी है, और देख लो मैं दिखा देता हूँ प्रूफ के लिए, देख लो ऐड आ गया इसपे इसकी पे। तो अभी देख लो यहाँ पे मैं प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ, मैंने सर्दी टाइम की थी।
अब तो तुम लोग खुश हो सोगे मैं इतना गलत काम किया यार। मैं आज की बात कभी भी नहीं करूंगा यार, मेरे को लग रहा था रात स्किप कर लेनी चाहिए लेकिन मैंने सकेट का एंड गाइस एक क्रीपर बिना ओके। तो गाइस इस क्रीपर को मैंने बिना उन्हें मार दिया और यहाँ पे एक रैबिट था गाइस जिससे मैंने अभी आप लोग को बताया था पिछले रात ब्लैक सिक्योरिटी का एक रैबिट मिलता है जिसकी अगर इसकी आंखें लाल मतलब तो मत जाने ये एविल रैबिट है क्या आंखें लाल है तुम्हारी पूछ रहे हैं फिर नहीं कैसे भाग रहे उसकी आंखें लाल मत जाओ बे वो करो उसकी तरफ कुछ तो बड़बड़ है उसकी आंखें काली हैं लाल हैं अरे नहीं इसकी आंखें तो ब्राउन है मतलब कि इस वर्ल्ड के अंदर जो एंटिटी रहता है उसके साथ और भी कोई है। यस गाइस मतलब इसका मतलब इस वर्ल्ड में एक कोई वो हंटर एंटिटी नहीं रहता बल्कि उसके साथ और कोई भी है ब्राउन का मतलब मुझे सीट के पहले ही बताया गया था अगर तुम्हें कोई रैबिट दिख गया जिसकी आइज ब्राउन हो रेड हो मतलब कि बस एक हंटर ही है उस वर्ल्ड में और अगर ब्राउन हो मतलब दो तीन चार पाँच है उस वर्ल्ड के अंदर एंड रेरिटी है कि क्या मुझे एंटिटी वो दिखते हो वैसे तो अभी इतने सारे साइटिंग्स मुझे लग रहे हैं क्या होगा अब जल्दी से आगे देखते हैं पर तब तक गाइस अभी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं क्या होगा तब तक आज मैं अपना एक अच्छा सा आज माइनिंग के लिए चलता हूँ मैं आज आयरन और गोल्ड ले लेता हूँ जिसके वजह से आज मैं कम से कम कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें कर लूँगा माइनिंग करने के बाद उसके बाद कल मैं घर बना लूँगा एक अच्छा सा तो माइनिंग कर लेते हैं हम लोग सो गाइस माइनिंग करते दिन मैंने सोचा कि गाइस अभी यहाँ पे मैं वाई शोर कर रहा हूँ कि गाइस अगर हम लोग माइनिंग कर रहे हैं और यहाँ पे स्टोन मिल नहीं रहा था मैं सोचता तो भाई इतना अंधेरा हो गया अब क्या करें फिर मैं गाइस अब सोचा कि चलो ऊपर चलते अब गाइस तुम देखना क्या होता है चलो चलो ऊपर चलो अरे 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 स्किन अरे गाइस वैसे आपने देखा ना कुछ अजीब सा हो गया था मेरी स्किन के साथ मतलब पता नहीं क्या अजीब अजीब ऊपर नीचे होने लगा था फिर मैंने सोचा कि चलो कोई अजीब चीज हो गई होगी कुछ भी अच्छी नहीं बट ये आप लोग आज के शरीर देख के आप जान जाओगे कि भाई ये क्या था बस देख लिया ना आप लोग ने क्या हुआ था मेरे साथ अजीब सी जल्दी से आवाज आ रही गाइस गाइस वाइस शॉट है तभी से और गाइस मैं जो है वाइस शॉट कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि जॉम्बीज की आवाज़ आप लोग बताइए कि ये जॉम्बी जॉम्बी ब्लेजर की आवाज़ है ये जॉम्बी थी जो भी बताएगा उसको 82 माइन कॉइन से रिवार्ड में मतलब सॉरी 2000 माइन कॉइन से रिवार्ड में दे दूंगा और गाइस इसी के साथ वो रैबिट नीचे गिर गया था और उसके बाद मुझे डर लग रहा है गाइस क्या हुआ अब क्या वो ब्राउन रैबिट बच पाएगा मेरे को मन नहीं है उसको बचाने का क्योंकि उसने मेरे को साथ ऐसा कर दिया था अगर जो तू मैं तेरे को बचाने आया हूँ यार हटता भी नहीं ना ये बंदा बे हटता ना इस तरह सोच जाओ अब गाइस मैंने सोचा कि चलो वो हट गए और मैंने ऐसे ही लगाया एक ब्लॉक और अब मैं गाइस यहाँ से इस तरह करूँगा इसके ऊपर सोच लो गाइस जो ब्राउन रैबिट मुझसे डरता था उसको बचाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ यार भाई 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 कैसा हूँ मैं यार ओके तो मैं एक और लगा दिया और इसी के साथ मैंने बिल्डिंग कर दी ब्लॉक की और वो है कहाँ क्योंकि वो गया शायद सब व्यू आ जाएगा अब क्या हुआ रैबिट तो हॉप बहुत ऊँचा करते थे आ जा चल 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 आ गया और अभी मेरे समय है नहीं इतनी नहीं पहले पहले से थोड़ा कमजोर बार है हाँ तो गाइस देखो अभी यहाँ पे मैंने सोचा था कि वुड तोड़ लूँ तो मेरे को वुड मिली है अपनी डार्क ओक 3K21 एंड अब जल्दी से मैं जाता हूँ भाई मैं अब जल्दी से मैं जाता हूँ ना क्राफ्टिंग टेबल में मतलब फर्नेस के अंदर जाके मैं कुछ अब ओक लॉक से डाल के चारकोल बनाऊंगा तभी मैं माइन करने जा पाऊंगा इतना फनी चीजों के ओ कुछ
गाइस आपने नोटिस किया कुछ? जैसे कोई अंदर है, वो भी ब्लैक होल टाइप का, पहले जैसा था कुछ। ओ ब्रो भाई मैंने नोटिस किया है। ओ गाइस ये बहुत खतरनाक चलता जा रहा है हमारा वीडियो, एंड बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक चीज़ें आ रहे हैं। अब क्या होगा गाइस, मुझे डर लग रहा है, और सन भी ऊपर की तरफ आ चुका है एकदम हमारा, मतलब नहीं टाइमिंग। अब जल्दी से मैं अपना कूल बना के उससे टॉर्चेस बना लेता हूँ। ये रहा टॉर्चेस। हाँ सो गाइस अभी देखते हैं, हम लोग जल्दी से जाके माइन कर लेते हैं, क्योंकि अभी डर लग रहा है कि क्या होगा, कभी रात ना हो जाए तो मुझे फिर से वीडियो पॉज करना होगा। ठीक है तो तब तक हम लोग जल्दी से बंदर चलते हैं। वैसे मेरे पास खाने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं यार, अब जल्दी से हम लोग खाने के लिए ये खा लेते हैं। ओके खा लिए हम लोग, अब जल्दी से स्टोन पिक से ये तोड़ते हैं। इसको पहले लगा लो भाई, भाई इसके अंदर यार ग्रेवल आ रही है, कुछ भी गोल्ड मतलब नहीं मिल रहा है। पहले ग्रेवल में फ्लिंट मिल गई हमें यहाँ पे, एंड अभी तक मुझे बहुत होंगे, धीरे धीरे बहुत जाएगा ना, नीचे चार रहेंगे यही काम। ओके यार हमेशा भाई मुझके अंदर तो बहुत अच्छे तरीके से हमें गोल्ड मिलते थे, अब क्या हो गया, सारे गोल्ड कौन खा गया? जल्दी से ऑनलाइन करते हैं, देखो रात नहीं ना हुई है। नहीं 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 रात नहीं हुई है, क्योंकि रात हो जाएगी तो हम लोग का ये डे टू होना पड़ी। ओ ब्रो गोल्ड गोल्ड आयरन चाहिए था, तो मेरे को तो आयरन मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। ओ गाइस का शे क्या है, ये पानी है यहाँ पे, ध्यान से देखते हैं कुछ है अंदर। पानी के अंदर तो कुछ नहीं भी काम है, अब हम लोग जल्दी से यहाँ से आगे चलते हैं। स्टोन पे आ जाओ। ओके आ गए हम लोग, मेरे को लगता है हम लोग गलत जगह से माइन करना स्टार्ट कर दिए थे, आगे वाले जगह से माइन करते हैं अपन, तब ठीक रहेगा। यहाँ से इस एरिया को मैं बंद कर देता हूँ, टॉर्च ले लेना चाह रहा था। चलो कोई बात नहीं, याद रहेगा कि वहाँ पे भी कोई जगह है, तो मैं यहाँ माइन करता स्टार्ट कर देता हूँ। आयरन मिल जाए मुझे, डर्ट डर्ट। ओ भाई अंदर पानी होगा, नहीं पानी नहीं बट कुछ गड़बड़ है, ऐसे कहीं पर डर्ट तो नहीं आती है। तो नाइट लॉक से इसमें आप लोग बताइए कुछ, आप लोग को वियर्ड डर लग रहा है भाई? एक भी आ रही मिल जाए ला रही है मैं, मेरे ख्याल से इतने गोल्ड हो रहे हैं ना यहाँ पे, मतलब आयरन का निशान है यहाँ। जल्दी से मैं ऊपर जाता हूँ, और वहाँ आसपास में आपने देखा था जिस जिसमें रैबिट गिर गया था, वो केब के अंदर चल के माइन करते हैं हम लोग, शायद उसके अंदर हम लोग को मिल जाएगा। चलो कहाँ गिरा था वो रैबिट का केब? अरे यहीं कहीं था, ये रहा भाई, जहाँ पे नहीं है वो केब तो कहाँ होगा? ओ गाइस वो रहा, वो रहा वहाँ पे, दिख के दिख रहा, मैं डर गया था कि वो केब कहाँ गया। आयरन 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 गाइस, हमें आयरन मिल गया जिस मुझे जो ही चाहिए था गाइस। वैसे हम लोग वुडन पिकेक्स आयरन मिल कर लेंगे, नहीं तो आयरन चाहिए था मुझे वो मिल गई है। सॉरी मैं हमेशा मन कर रहा था, अब धीरे धीरे रात भी हो रही है, 10 मिनट 14 मिनट का हो गया भाई वीडियो, बहुत स्पीड में बढ़ रहा है। चलो तो आयरन माइन कर लिए, अब हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं गाइस। रात होगी यार, जितनी जल्दी रात होगी ना ये वीडियो खत्म होगी, जितनी जल्दी वीडियो खत्म होगी ना आज मेरा नेट जितना उतना ही ज़्यादा मेरा मतलब नेट यूज हो जाता है। ओके अब सन सेटिंग टाइम आ चुका है और मेरा घर बोल रहा है, तो अब चलते हैं जल्दी से अपने घर के पास, चल ड्रीम करते हैं।
कैसे वहां से कूदते कूदते आ रहा था। तो जल्दी से गाइस अभी हम लोग अंदर जाएंगे और इस किट को बंद कर देंगे। और यहाँ पे मैं कोबल स्टोन्स बहुत लगा रहा हूँ, मेरे पास अनलिमिटेड आ गया ऐसा लग रहा है। अब ओ ब्रो 19 चैरकोल्स, चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग इससे इसे लगाएंगे। वैसे इसको निकाल दो ना, ये डालो। मेरा पहला आयरन और मिल गया हमें, सॉरी इनगट मिल गया हमें, एंड तक मिल देख लेते रात हो गई। यस ये ओ ब्रो मेरे घर मुझे लगे स्केलेटन है, तो हम लोग ये ले लेते हैं अपना कॉबल स्टोन। एंड गाइस इसी के साथ रात हो चुकी है, तो बाय बाय गाइस, अब आप लोग को मैं मिलूंगा वीडियो नंबर 2 में, बस एक आयरन पिकैक्स बना के। स्टिक्स नहीं मेरे पास क्या? हाँ नहीं थी। तो इसी के साथ गाइस हमारा आज का वीडियो खत्म होने वाला, तो गाइस इसी के साथ हमारा वीडियो आज का खत्म हो चुका है। एंड अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 के अंदर, मतलब डे 3 में। टिल बाय बाय गाइस।